हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, ये फॉर्म का टाइटल आपके स्टैंडर्ड के नाम से दिया गया है। जैसे ये सेवन्थ का मैं आपको फिलअप करके दिखा रहा हूं कैसे फिलअप करना है, तो वीडियो प्लीज़ अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें हमारा स्टैंडर्ड चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका डिवीज़न है वो आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। याद रखना है, कैपिटल लेटर में प्लीज़ लिखिएगा नाम। ऐसे ही पापा का नाम भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आपको मम्मी का नाम यानी कि मदर्स का नाम भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होंगे, वे जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या क्लास से कनेक्ट होंगे, तो वो मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास दो मोबाइल नंबर हैं तो आप दोनों मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उनका नंबर जो है लिख सकते हैं। अगर एक ही है तो कोई बात नहीं, पहले वाले में आपको फिनिश करना है, ठीक है। सेकंड वाला ब्लैंक ही छोड़ देना। अगर नहीं है तो फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस आप डालेंगे कि भैया आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका अगर फ्लैट है, बिल्डिंग में रहते हो, तो भैया फ़्लैट नंबर आपको डालना है। फ़्लैट नंबर क्या है, ठीक है, फ़्लैट नंबर 303 है, यस, ये बिल्डिंग का नाम है, यस, इस जगह पे पड़ता है, तो ऐसे आप डालेंगे। जिनका रूम नंबर है तो प्लीज़ रूम नंबर ऐसे करके डालेंगे, रूम नंबर 2 है, ठीक है, बाबू भाई की चाल है, यस, मसाट में पड़ता है, ऐसे करके आप डालेंगे। तो जैसे भी आपका एड्रेस हो, आपको एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे है आपका मेन एरिया। बच्चों याद रखना है, मेन एरिया जैसे मसाट हो गया, रखोली हो गया, सिलवासा हो गया, उसमें भी मेन एरिया जैसे बेलसा रहते हैं, टोकर खाड़ा हो गया अपना, यस, रखोली में साइली हो गया, वसोना हो गया, ऐसे दपाड़ा हो गया, तो जो भी आपका मेन एरिया वहाँ पे लगता हो, मेघवाड़ हो गया, खुड़ाचा हो गया, ठीक है, जो भी मेन एरिया आपका लगता हो, वो मेन एरिया का आपको सिर्फ नाम लिखना है लास्ट वाले इसमें, ठीक है। पहले वाले में क्या करना है, पूरा एड्रेस लिख देना है आपको। सेकंड वाले में मेन एरिया में क्या करना है, सेकंड वाले मेन एरिया में सिर्फ मेन एरिया, जो एरिया जिस नाम से जाना जाता है, वो ही आपको लिखना है। याद रखना ध्यान से। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन बच्चों को बस सर्विस चाहिए, वो बच्चे इस पे यस पे टिक करके आगे लास्ट में सबमिट आएगा तो सबमिट कर देंगे। जिन बच्चों को नहीं चाहिए वो बच्चे नो ही रखें। आप याद रखें कि यस और नो बहुत केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने यस सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपका नो नाम इनरोल हो जाएगा बस सर्विस के लिए, कि आप, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो फर्स्ट से आपको बस सर्विस भी आने जाने की लगेगी। तो इसीलिए आप पहले अपने माता पिता से पूछ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही फिलअप करें, ठीक है। जिन बच्चों का नो है, जो खुद से आने वाले हैं, उनका तो कोई इशू नहीं है, वो नो करके सबमिट बटन दबा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ अपने माता पिता से पूछ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए आप, उससे पहले फॉर्म नहीं भरना बस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यस और नो याद रखना, यस का मतलब है कि आप अपना नाम दे रहे हो और आपका जो फीस है वो चार्ज होना चालू होगा इसके लिए, और फीस का एरिया वाइज क्या रेट है, कितना भाड़ा लेंगे, तो वो भी मैं आपको PDF कॉपी यहीं आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अच्छे से देख लेना है आपको, ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आप तक क्लियर है। आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद हम आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, कौन से क्लास में कितने बच्चे बैठाने हैं, तो वो हम प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आप सबको प्लीज़ ये फिलअप करना है। बस वाला का बहुत ध्यान रखना है, जिन बच्चों को रिक्वायर्ड है सिर्फ वही बच्चे यस करके सबमिट करेंगे, जिनको नो है वो नो करके जाने देंगे, ठीक है। सबको नहीं फिलअप करना है, जिनको रिक्वायर्ड है, जिनको चाहिए बस सर्विस, उन्हीं के लिए है। तो ऐसे करके हमें फॉर्म भरना है और ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना। और हाँ, एक बात ये कि ये फॉर्म जल्द से जल्द आपको फिलअप करना है, यस, कल सुबह 11 बजे तक का समय है हमारे पास ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद लेट होने के बाद, ठीक है, आपका कोई कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे हम, ना आप पीछे से कॉल करेंगे सर ऐड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं। अभी आप इसमें आराम से फिलअप करिए अच्छे से और समय से फिलअप करिए। याद रखना, कल सुबह 11 बजे लास्ट डेट है, मतलब लास्ट टाइम है इसको फिलअप करने का, उसके बाद ये फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़, इतनी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों।